कानपुर से अगली खबर, विंग कमांडर से ठगी के मामले को लेकर पुलिस ने दो ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगों के 42 खाते सीज कर दिए गए हैं। 6 करोड़ रुपए की निकासी पर रोक लगा दी गई है। 1 करोड़ 99 लाख की ठगी हुई थी। 23 फरवरी को विंग कमांडर के साथ ठगी की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 फरवरी को ये ठगी हुई थी विंग कमांडर के साथ, और अब इस मामले को लेकर दो ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 42 खाते आरोपियों के सीज कर दिए गए हैं और 6 करोड़ की निकासी पर रोक लगा दी गई है। अमित गंजू खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी खबर पर विंग कमांडर के साथ जो ठगी हुई? चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के एयरफोर्स स्टेशन 402 का है, जहां विंग कमांडर के पद पर जोसेफ जी कार्यरत हैं। मिस्टर जोसेफ ने 23 फरवरी को एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगों ने उनसे 1,99,00,000 का निवेश की बात की और उसके साथ ठगी कर डाली। जिसके बाद इसकी सूचना जब कमिश्नर पुलिस अखिल कुमार को लगी तो साइबर की टीम को लगाया गया और घेराबंदी की गई। तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया, जिसके बाद चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें एक बैंक का इंडसइंड बैंक का कर्मचारी भी इंडल्स था और इसके अलावा 2 और युवकों को गिरफ्तार किया। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 42 ऐसे अकाउंट्स के बारे में पता चला जिनके माध्यम से 6,25,000 के जो फिलहाल अभी ट्रांजेक्शन, उसको फ्रीज करने के निर्देश दिए गए। अब और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाए क्या इन बैंक कर्मियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर क्या अन्य लोगों के साथ भी फ्रॉड किया है। ये जो 42 चालू खाते हैं, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? मगर फिलहाल 6 करोड़ रुपया जो इन 42 खातों में है, उसकी निकासी पर रोक लगा दी गई है और इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और इनके और नेटवर्क के सदस्य तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से इसके साथ एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर के साथ 1,99,00,000 यानी 2 करोड़ की ठगी जो हुई है, कहीं अन्य सदस्य को इसमें दर्ज नहीं है और लोगों को तो नहीं, उन्होंने अपना शिकायत से तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका अमित गंजू। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक शातिर बदमाश अतुल उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। बदमाश अतुल 23 से ज्यादा मामलों में फरार चल रहा था। वहीं दूसरा बदमाश अरविंद मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। इनको चेकिंग के लिए रोकने पर बाइक सवार संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इन संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए फायरिंग की, जो एक बदमाश के बाएं पैर में लगी और एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, हालांकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। उसके पास से लूटा गया आईफोन, बाइक और तमंचा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरिफ दिल्ली और गाजियाबाद में लूट की कई वारदातों में शामिल था।